नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज हम पढ़ेंगे प्लेट विवर्तनिकी, प्लेट टेक्टोनिक्स। इसके अंतर्गत हम आज पढ़ेंगे कि इसका प्रतिपादन किसने किया, क्योंकि यह एक वैज्ञानिकों द्वारा इसकी व्याख्या नहीं की गई है, तो इसमें हम कई वैज्ञानिकों के द्वारा जो भी व्याख्या की गई है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और इसके अंतर्गत कौन सी गतियों के कारण कौन से किनारे की उत्पत्ति होती है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे, और प्लेट की परिभाषा क्या होती है, विवर्तनिकी क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो आज का हम लेक्चर चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि प्लेट क्या होती है। आपकी पृथ्वी पर अगर हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना देखेंगे तो क्रस्ट, मेंटल और कोर में बांटा गया है पृथ्वी को, जिसके तहत जो क्रस्ट भाग होता है पृथ्वी का, ऊपरी भाग या ठोस सतह कह सकते हैं, वो आपके 0 से या 5 किलोमीटर से 200 किलोमीटर तक ठोस परत पाई जाती है, और उसके नीचे एक दुर्बल मंडल पाया जाता है जिसे हम एस्थेनोस्फेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्थेनोस्फेयर। उसके ऊपर जो ठोस सतह पाई जाती है या जो ठोस पृथ्वी के सतह के ऊपर जो ठोस परतें पाई जाती हैं या ठोस परत पाई जाती है उसे हम प्लेट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेट कहते हैं। अब क्वेश्चन आ रहा होगा कि विवर्तनिकी क्या है। तो इनमें दो प्रकार की गति होती है प्लेटों की, एक वर्टिकल गति और एक हॉरिजॉन्टल गति। तो इन दोनों गतियों के द्वारा एक प्लेटें क्या होती है, एक प्लेट नीचे की ओर धसती है, एक प्लेट क्या होती है ऊपर की ओर धसती है, और प्लेटों का क्या होता है, संचलन होता है। इसी के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, विवर्तनिकी कहते हैं। तो प्लेट विवर्तनिकी क्या हो गया कि पृथ्वी के सतह पर स्थित क्रस्ट या ठोस भाग को, सतह के ठोस भाग के संचलन को ही प्लेट विवर्तनिकी कहते हैं, उसके अध्ययन को। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये तो रही बात किसकी, परिभाषा की। तो हमारा एक पॉइंट कंप्लीट हुआ, क्या कि प्लेट विवर्तनिकी क्या है। अब पढ़ते हैं कि इसका प्रतिपादन क्या कब किया गया। तो सिद्धांत का जो प्रथम प्रतिपादन किया गया, पहली बार इसकी व्याख्या की गई, ये प्लेट विवर्तनिकी याद रखिएगा, जो इसके पहले हमारा लेक्चर है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसे हमारे प्लेलिस्ट पर जाके देख लीजिए। तो ये जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का ये अपग्रेड किया हुआ वर्जन है। ये जो सिद्धांत है ये क्या है, इसकी जो भी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में कमियां थी उसी को सुधार करके ये कई जितने भी वैज्ञानिक आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं इनके द्वारा ये सिद्धांत दिया गया है, क्या, प्लेट विवर्तनिकी। तो हम बात करते हैं सिद्धांत के पहली बार प्रतिपादन किया 1962 में, किसने किया, ये वैज्ञानिक थे हैरी हेस। कौन थे? हैरी हेस। इन्होंने सागर नितल प्रश्नण के बारे में बताया कि पृथ्वी की जो हम सतह देखते हैं ऊपर, उसके साथ साथ महासागरी नितल भी प्लेटों का ही एक भाग है। इसके तहत इन्होंने क्या कहा कि जो हम सतह देखते हैं पृथ्वी पर ऊपर, इसके साथ साथ ही महासागरी प्लेटें भी पाई जाती हैं, और महासागरी नितल में जो सतह होती है वो भी प्लेटों के समान ही क्या कर रही हैं, संचलन कर रही हैं, गति कर रही हैं। ये इन्होंने, हैरी हेस ने ये पहली बार इन्होंने ये चीज़ें बताई। क्या बताई? कि सागरी प्लेटें भी हमारे पृथ्वी पर पाई जाती हैं। उसके बाद आते हैं हम थर्ड नंबर पर जो देख रहे हैं आप, प्रमुख विचारक मैकेंजी पार्कर तथा होम्स। इन्होंने 1967 में इसकी पूर्ण रूप से व्याख्या की। इन्होंने कहा कि प्लेटों के साथ साथ जो पृथ्वी के चुंबकत्व का भी काम होता है, किसके, प्लेट विवर्तनिकी के लिए। इन दोनों ने मेन आपका जो प्रतिपादन किया सिद्धांत का, तो किन्होंने किया है, मैकेंजी पार्कर तथा होम्स ने। किन्होंने किया है इस सिद्धांत का प्रतिपादन, मैकेंजी पार्कर तथा होम्स ने। कब किया है? 1967 में। ठीक, अब आगे बढ़े तो एक और वैज्ञानिक का नाम आता है, मॉर्गन। इनका पूरा नाम है डब्ल्यू जे मॉर्गन। तो डब्ल्यू जे मॉर्गन ने इस सिद्धांत की वैज्ञानिक व्याख्या की है। क्या की है? वैज्ञानिक व्याख्या की है। तो इन्होंने कब इसकी वैज्ञानिक व्याख्या की? 1968 में।
कब की, 1968 में। अब मैं इसे इसमें अगर मैं इससे पूछूं कि आपके प्री लाइक या जो आपके एमसीक्यू बनते हैं उस किस प्रकार के बनते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, तो आपसे पूछा जा सकता है प्लेट विवर्तनिकी का प्रतिपादन किसने किया, या तो इनका देगा नाम, ठीक, किनका, मैकेंजी, पार्कर, होम्स, अलग अलग इनमें से किसी एक व्यक्ति का नाम दे देगा, ठीक, तो प्रतिपादन में इन तीनों में से किसी एक का नाम दे देगा, तीन क्वेश्चन जो आपके पॉइंट रहेंगे उनमें अलग देगा, और कब दिया, इससे सन पूछा जा सकता है, तो 1967 देखिए या 1962 दे सकता है, तो आपको 1967 1968 आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है प्लेट विवर्तनिकी की वैज्ञानिक व्याख्या किस वैज्ञानिक ने की और कब की, तो WJ मॉर्गन ने की 1968 में। तो इतनी बातें आपकी क्लियर होती हैं। हम इसके प्लेट विवर्तनिकी के कारण के बारे में बात करें हम, तो इसमें प्लेट विवर्तनिकी के मुख्य दो कारण होते हैं। सबसे पहला कारण होता है पृथ्वी का घूमना। पृथ्वी हमेशा क्या, एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। तो इसका उदाहरण मैं बताऊं तो इन्होंने कहा कि पृथ्वी की घूमने के कारण ही उत्तरी अमेरिका प्लेट और दक्षिणी अमेरिका प्लेट का पश्चिम दिशा की ओर क्या हो गया, प्रवाह हो गया। क्या हुआ, पश्चिम दिशा की ओर प्रवाह हुआ। और इसमें एक और बातें कही कि प्लेट विवर्तनिकी, जैसा मैंने बताया था कि दो चीज़ों में विवर्तनिकी होता है, एक होरिजोनटल और एक क्या होता है, वर्टिकल। तो ये होरिजोनटल हो गया और ये वर्टिकल। इसके कारण क्या होता है, प्लेटों का धसना, ठीक है, या ऊपर उठना। और गति के कारण, जैसे उत्तरी अमेरिका प्लेट दक्षिणी अमेरिका प्लेट किस तरफ पश्चिम की ओर प्रवाह की, उसी तरफ क्या इंडो, क्या प्रायद्वीपी भारतीय प्लेट कहाँ की ओर, उत्तर पूर्व की ओर प्रस्थान की, प्लेट खसकी प्रवाह कर गई। तो ये किस कारण हो रहा था, पृथ्वी के घूमने के कारण। और दूसरा कारण बताया हॉट स्पॉट। तो ये हॉट स्पॉट क्या होता है कि हमारे जो 200 किलोमीटर तक आपका पाया जाता है क्रस्ट, तो इस क्रस्ट के नीचे लगभग 230 से 250 किलोमीटर तक या 350 किलोमीटर तक दुर्बल मंडल पाया जाता है। तो उसमें, या आप अलग भाषा में समझाऊं, अगर जब मैं इसके बाद आपको, चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपको कोशिश करूंगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ाने की, तो उसमें हम पढ़ेंगे कि क्रस्ट और मेंटल फिकोर आता है। तो एस्थेनोस्फेयर की बात करूं तो क्रस्ट और मेंटल के मध्य में पाया जाता है। कहां पाया जाता है, क्रस्ट और मेंटल के मध्य में पाया जाता है। तो वहां क्या पाया जाता है, रेडियो एक्टिव पदार्थ पाए जाते हैं। स्थेनोस्फेयर पे रेडियो एक्टिव पदार्थ पाए जाते हैं। और कहीं कहीं पर इसकी क्या होती है, अधिकता होती है, जिसके कारण क्या होता है, संवहनी तरंगें उठती हैं, जिसके कारण हमारी प्लेटों का विभक्त हो जाता है, या बोल सकते हो जो हमारी प्लेट है वो कई टुकड़ों में विभक्त होके इधर उधर क्या करने लगती हैं, ट्रेवल करती हैं, प्रवाह करती हैं, प्लेटें रुकती नहीं हैं। क्यों, क्योंकि एस्थेनोस्फेयर जो है वो आपका क्या है, सेमी लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, पूर्ण रूप से लिक्विड नहीं है, आप कह सकते हैं एक प्रकार का गाढ़ा पदार्थ। यही रेडियो एक्टिव पदार्थ पाए जाते हैं, वही वो किस रूप में होते हैं, ये पिघलकर मैग्मा के रूप में होते हैं। अब मैग्मा के रूप में होते हैं तो यहाँ का टेम्परेचर होता है 1200 से 1300 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो इस टेम्परेचर के कारण यहाँ पे निर्मित होता है हॉट स्पॉट। क्या, हॉट स्पॉट। अब जब हॉट स्पॉट उत्पन्न होता है और इससे रेडियो एक्टिव तरंगों से क्या निकलती है, संवहनी तरंगें निकलती हैं, तो ये जो मैग्मा है बाहर आने की कोशिश करता है। हॉट होगा तो क्या होगा, जो मैग्मा है वो हल्का हो जाएगा। उदाहरणार्थ बताऊं मैं तो, जैसे दो नाव हैं पानी में, तो एक नाव से सामान उठाकर दूसरे नाव में रखेंगे तो जो जिस नाव में हमने सामान रखा वो क्या होगी, नीचे घुस जाएगी, मगर जिसमें हमने सामान हटा दिया वो क्या होगी, ऊपर उठेगी। तो ये गर्म हो रहा है तो क्या होता है, ये हल्का होने लगता है। क्या, रेडियो एक्टिव जो आपके पदार्थ हैं वो हल्के होते हैं, मैग्मा जो होता है हल्का होता है, होने लगता है किसके कारण, टेम्परेचर के कारण, बढ़ने के कारण। तो वो बाहर आने की कोशिश करता है। तो जब बाहर आता है तो वो जो लावा बाहर आने की कोशिश करता है उसे हम क्या, जिस शेप में निकलने की कोशिश करता है उसे हम प्लूमे कहते हैं। क्या, प्लूमे, ठीक। आगे बढ़ते हैं, तो ये कारण थे क्या, प्लेट विवर्तनिकी के, क्या, हॉट स्पॉट, रेडियोधर्मी पदार्थ,
इनके कारण भी क्या होता है, प्लेटों का अलग होना। मेन कारण है आपका रेडियोधर्मी पदार्थ का गर्म होना, जिससे संबंधित तरंगे उठेंगी तो वो क्या करेंगी, प्लेटों को विभक्त करेंगी। ठीक, क्लियर। तो आपका कारण कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं कि हमारे यहाँ कितनी प्लेटें पाई जाती हैं। तो नासा के अनुसार कहा गया है कि अपने पृथ्वी पर 100 प्लेटें पाई जाती हैं, जिसमें से 20 प्लेटों की खोज की गई है। कितनी खोज की है, 20 प्लेटों की खोज की गई है, जिसमें से मुख्यतः 6 प्लेटें कही गई हैं। 6 प्लेटें, कहीं जगह आपको 7 प्लेटें दिया जाता है। कैसे दिया जाता है वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ। तो नासा के अनुसार कितनी प्लेटें पाई जाती हैं, 100 प्लेटें पाई जाती हैं, जिसमें 20 प्लेटों की पहचान की गई, जिसमें से मुख्य कितनी बड़ी, 6 बड़ी प्लेटें हैं। पहला प्लेट आता है अमेरिकन प्लेट। कौन सा आता है, अमेरिकन प्लेट। कहीं आपको डाटा मिलेगा, किसी बुक में आपको 7 प्लेटें देती हैं, तो वो क्या करता है, जो अमेरिकन प्लेटें होती हैं वो एक प्लेट है, इसमें उन बुकों में, उस डाटा बुक की डाटा में वो 2 प्लेटों में अमेरिकन प्लेट को विभक्त कर देता है, एक उत्तरी अमेरिका की प्लेट, एक दक्षिणी अमेरिका की प्लेट। ठीक, क्लियर। तो उस पर डाउट मत करिएगा। तो मुख्य कितनी है, 6 याद करके रखिएगा। तो पहला हो गया अमेरिकन प्लेट, तो उसमें उत्तरी अमेरिका की प्लेट और दक्षिणी अमेरिका की प्लेट, जो किस ओर प्रवाह कर गई, पश्चिम की ओर। ये मैं क्यों करी, तो मैं इसके बारे में इसमें भी क्लियर कर दिया। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का जो वीडियो डाला है उसमें भी आप देख सकते हैं, उसमें भी मैंने इसके जो हमारे उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका पश्चिम की ओर प्रवाह किए, क्यों किए, कारण मैंने क्लियर किया है। अब दूसरी प्लेट आती है अफ्रीकी प्लेट, तो अफ्रीकी कॉन्टिनेंट की प्लेट हो गई। तीसरी प्लेट आती है यूरेशियाई, तो यूरेशिया होता है, यूरोप प्लस एशिया को यूरेशिया कहा जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, यूरेशियाई प्लेट। फिर फोर्थ आती है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट में 2 प्लेटें आ गई, जो ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका से अलग होकर नीचे की ओर प्रवाह कर गया, क्या कह सकते हैं, दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाह किया ऑस्ट्रेलिया। और जो आपका प्रायद्वीपी भारत है वो कहाँ किया, उत्तर पूर्व की ओर प्रवाह किया। ठीक, ये आपका हो गया कौन सा, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। नेक्स्ट प्लेट है आपकी प्रशांत महासागरीय प्लेट। तो याद रखिएगा, प्लेटें कई प्रकार की होती हैं, जिसमें से पहली होती है कॉन्टिनेंट प्लेट। ठीक है, कौन सी, जो आपके कॉन्टिनेंट है। दूसरी होती है महासागरीय प्लेट, तो जो पूर्ण रूप से महासागरी है वो कौन सी है, प्रशांत महासागरी प्लेट, एक प्लेट है जो पूर्ण रूप से महासागरी प्लेट के अंतर्गत आती है। और थर्ड होती है मिश्रित प्लेटें। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। आपका छठवां प्लेट आता है अंटार्कटिका प्लेट। कौन सा आता है, अंटार्कटिका प्लेट। अब हम चलते हैं आगे बढ़ें तो हम बात करेंगे प्लेटों की गति के बारे में। इसमें 3 प्रकार की गति के कारण कई किनारे उत्पन्न होते हैं, जैसे रचनात्मक किनारा क्या होता है, विनाशात्मक किनारा क्या होता है, तो इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो पहले हम चलते हैं विनाशी किनारा की ओर। कहाँ चलें, विनाशी किनारा। विनाशी किनारा की बात करूं, जब दो प्लेट एक समान दिशा की ओर आगे बढ़ती हैं, क्या, एक समान दिशा की ओर आगे बढ़ती हैं, जब दो प्लेटें एक समान दिशा की ओर आगे बढ़ती हैं। और प्लेटों का याद रखिएगा, हमेशा घनत्व तो अलग अलग होता है। तो इसमें विनाशी किनारा में आपकी गति लगती है अभिसारी संचलन, इसे क्या कहते हैं, अभिसारी संचलन या गति, अभिसारी संचलन। तो इसमें क्या होता है कि दो प्लेटें एक समान दिशा में आती हैं और ऐसे टकराती हैं, क्या होंगी, ये टकराव होगा इनका, तो जिस प्लेट का घनत्व तो कम होगा तो वो प्लेट क्या होगी, नीचे धस जाएगी, और दूसरी प्लेट क्या होगी, ऊपर आके टकरा जाएगी। देखिए नेक्स्ट डायग्राम में समझिए, ये दो प्लेटें आई एक समान दिशा में, ए प्लेट का घनत्व तो कम था,
और बी प्लेट का घनत्व तो ज़्यादा था, जिस कारण क्या हुआ, ए प्लेट कहाँ चली गई, ये चली जाती है कहाँ, अंदर स्थेनोस्फेयर तक चली जाएगी, जिस कारण यहाँ क्या होता है, हॉट स्पॉट होता है, यहाँ रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं, रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं, जिस कारण जब ये प्लेटें टकराती हैं तो ये मैग्मा क्या करेगा, यहाँ अपना दरार डालेगा और बाहर निकलने की कोशिश करेगा। और याद रखिएगा, अभिसारी संचलन के कारण ही क्या होता है, बलित पर्वतों का निर्माण होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये बलित पर्वत का यहाँ निर्माण हो चुका है, मतलब कि क्या हो रहा है, हाइट इंक्रीज होती है। क्या हो रहा है, आपकी बी प्लेट क्या कर रही है, पहाड़ों का निर्माण कर रही है, और ये प्लेट क्या कर रही है, नीचे धसी, जिस कारण इसके इसमें ज्वालामुखी का भी निर्माण होगा। ठीक, बात क्लियर। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछता है कि किन प्लेटों के कारण या किस किनारा के कारण या किन गति के कारण आपका बलित पर्वत का निर्माण होता है, तो उसका आंसर होगा विनाशी किनारा, अभिसारी गति या अभिसारी संचलन के कारण ही किसका, बलित पर्वत का निर्माण होता है, जो आपका क्या है, हिमालय पर्वत। ठीक, हम नेक्स्ट गति की बात करूं, नेक्स्ट गति आती है अपसारी गति। ये सेम प्रोसेस कैसा है, अभिकेंद्री बल, अपकेंद्री बल। अभिकेंद्री बल क्या होता है, केंद्र की ओर खींचता है, अपकेंद्री बल क्या करता है, बाहर की ओर फेंक करता है, बाहर क्या करेगा, बाहर फेंकेगा। तो बस आप ये इसको याद करने का तरीका याद कर लीजिए। सेकंड है आपका रचनात्मक किनारा, कौन सा, रचनात्मक किनारा, इसे हम कहते हैं अपसारी संचलन, इसे हम कहते हैं अपसारी संचलन। इसमें क्या होता है, दो प्लेटें अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं, जब अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं, इस प्रकार इस दिशा की ओर चल दी, और इधर वाली प्लेट किधर चल दी, इस दिशा की ओर चल दी, तो यहाँ जो हॉट स्पॉट था, यहाँ यहाँ आपका स्थेनोस्फेयर पाया जाता है, कहाँ, ये यह आपका स्थेनोस्फेयर है, जो किस फॉर्म में है, सेमी लिक्विड फॉर्म में, और यहाँ आपके रेडियोधर्मी पदार्थों की अधिकता, हर जगह नहीं होती, यहाँ पे अधिकता है, हॉट स्पॉट है, तो बस ये यहाँ पे इस प्रकार मैग्मा बाहर आएगा, और जब मैग्मा बाहर आएगा तो किस रूप में आएगा, लावा। मैग्मा कब कहलाता है, जब वो पृथ्वी के अंदर होता है, जब बाहर आ जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, लावा। जब लावा आ जाएगा तो वो क्या करेगा, धीरे धीरे पृथ्वी पर, ये तो प्लेटें खिसकती जा रही हैं, वो क्या करेगा, जमाव करेगा, जमाव करेगा तो क्या होगा, नए स्थलखंड का निर्माण होगा। नए स्थलखंड के निर्माण के कारण ही इसे हम क्या कहते हैं, रचनात्मक किनारा या अभिसारी संचलन। ठीक है, चलिए थर्ड समझते हैं। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अगर आपकी इच्छा हो तो। थर्ड पॉइंट पर चलते हैं, तो थर्ड पॉइंट है आपका समांतर गति। समांतर गति में क्या होता है कि दो प्लेटें वर्टिकल चलती हैं, क्या, वर्टिकल, जैसे एक ये प्लेट है, मगर इनकी दिशा क्या होगी, अगर एक प्लेट नीचे की ओर चल रही है तो एक प्लेट ऊपर की ओर चलेगी। जैसे मैं इससे समझाऊं तो ये मोशन होगी, इसके कारण क्या होगा, रगड़ होगा, रगड़ खाएंगी जब दो प्लेटें तो क्या उत्पन्न होगा, कंपन उत्पन्न होगा, और कंपन उत्पन्न होता है तो उसका अर्थ है क्या, भूकंप का आना। क्या अर्थ होता है उसका, भूकंप का आना। तो समांतर गति प्लेट के कारण कोई किनारे की उत्पन्ति नहीं होती, ना कोई किनारे की विनाश होता, किसी प्लेट का विनाश भी नहीं होता, ना नई प्लेटों का निर्माण होता, इसमें क्या होता है, भूकंप का आना। जैसे आपका सैन एड्रियास भ्रंश, अगर मैं अमेरिका की बात करूं तो सैन एड्रियास जो भ्रंश घाटी पाई जाती है वो किस प्लेट पर निर्धारित है, आपका समांतर गति प्लेट पर। इसी प्रकार मैं जापान की बात करूं तो जापान भी किस पर टिका हुआ, जो जापान द्वीप पर स्थित है, वो द्वीप जो है, दो द्वीप हैं जो उसके, वो समांतर प्लेट पर स्थित है, और इसीलिए हमेशा जापान पर भूकंप आता रहता है। भूकंप कंपन के कारण ही क्या उठती है, सुनामी आती है। आपको 2004 की सुनामी जापान की याद है, क्यों आई,
हुई थी। कारण क्या था आपका? समांतर प्लेटों का रगड़ खाना और तेजी से खाना, इस वजह से कंपन होगा तो क्या होगा, धरती हिलेगी तो क्या सुनामी के भी लक्षण आ सकते हैं। और उस समय जब जापान में सुनामी आई थी तो वहाँ जो महासागर पाया जाता है या सागर पाया जाता है उसके नितल की जो प्लेटें थी उसमें रगड़ हुआ और कंपन उत्पन्न हुआ, तो क्या हुआ, पानी अपनी जगह से आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, उसी से सुनामी उत्पन्न होती है। तो समांतर गति और समांतर संचलन के कारण क्या होता है, समांतर प्लेटों के कारण क्या होता है, भूकंप का उत्पन्न होना। तो ये था हमारा क्या, प्लेट विवर्तनिकी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और लोगों से सब्सक्राइब करने के लिए भी अगर आपकी स्वेच्छा हो कह सकते हैं और खुद भी करिए। धन्यवाद।